पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न, किंतु आप दांव पे लगा सभी को आज ना बचा सके। नाम से तो धर्मराज, किंतु देखते अधर्म राज में हुआ तो ये समाज ना बचा सके। और धिक्कारता है ये समाज आज आपको कि पाप को पछाड़ के ये राज ना बचा सके। और व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य, अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल शर्मा अक्षत है। भाई ने शहीदों की बात की थी तो एक छंद है देश के नाम सुना के, और फिर मैं अपनी वो कविता सुनाऊंगा। उससे पहले चार पंक्तियां ऐसे ही हैं कि कोई किस्सा कहानी नहीं जानता, कोई किस्सा कहानी नहीं जानता, आग तो आग पानी नहीं जानता। कोई किस्सा कहानी नहीं जानता, आग तो आग पानी नहीं जानता। हमने टूटे, हमने देखे हैं टूटे हुए लोग पर, हमने देखे हैं टूटे हुए लोग पर, दर्द अपनी कहानी नहीं जानता, दर्द अपनी कहानी नहीं जानता। और जिस छंद की मैं बात कर रहा था वहां से शुरू करता हूं कि रक्त से सशक्त नींव सींच सींच की जिन्होंने, हो गई विदेह देह का ये सत्व देश है। संकट में ले आशीष शीश बलिदानों के लिए, जवानों में निहित अपनत्व देश है। और रक्त रंग में जो ढंग से लिखा है शौर्य, तीन रंग की उमंग का ये अमरत्व देश है। और प्राण देके प्रण को जो टाइमिंग गलत हो गई कि संकट में ले आशीष शीश बलिदानों के लिए, जवानों में निहित अपनत्व देश है। रक्त रंग में जो ढंग से लिखा है शौर्य, तीन रंग की उमंग का ये अमरत्व देश है। प्राण देके प्रण को जो पूरा कर रहे हैं आज, ऐसे पुण्य प्राणियों का प्राण तत्व देश है। ऐसे कि प्राण देके प्रण को जो पूरा कर रहे हैं आज, ऐसे पुण्य प्राणियों का प्राण तत्व देश है। और कुछ एक छंदों की श्रृंखला है जो महाभारत के एक प्रसंग से ली हुई है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसके बाद वो युधिष्ठिर के पास गई और उसने अपने कुछ प्रश्न रखे। तो द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न, सारी लड़ाई राजपाट की थी, कि पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न, किंतु आप दांव पे लगा सभी को आज ना बचा सके। पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न, किंतु आप दांव पे लगा सभी को आज ना बचा सके। नाम से तो धर्म राज, किंतु देखते अधर्म राज में हुआ तो ये समाज ना बचा सके। और धिक्कारता है ये समाज आज आपको कि पाप को पछाड़ के ये राज ना बचा सके। और व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य, अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य, अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। और दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा धर्म राज, राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए। और आन बान शान के जो खंड 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 हुए, खंड के अखंड होने की विधि बताइए। और भूल के भी अस्मिता पे शूल ना सुसज्जित हो, लज्जित ना मान हो, ये समाधान लाइए। और पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंच ये प्रहार है प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंच ये प्रहार है प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। और भाग्य में बदी है त्रास दी जो द्रौपदी के, वो सदी नहीं युगों युगों के हैं कलंक मानिए। कि भाग्य में बदी है त्रास दी जो द्रौपदी के, वो सदी नहीं युगों युगों के हैं कलंक मानिए। मौन हो सभाएं जो असभ्यताएं देख के भी, आप उन सभाओं के गुमान को निकालिए। और मूर्तियों से हैं विराजमान, क्या करेंगे न्याय, हाय किंतु आप मेरी ओर दृष्टि डालिए। और साक्ष भीते आप पाप से मिले विलाप में, तो द्रौपदी के श्राप के प्रताप को संभालिए। साक्ष भीते आप पाप से मिले विलाप में, तो द्रौपदी के श्राप के प्रताप को संभालिए। और इस घड़ी का एक अंतिम छंद है, वो मैंने सबसे मतलब बीच में पहले सुनाने की कोशिश की है, जो आप सबने सुना भी है कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष, और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की, वीर पुत्र पांडुओं की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। और पांचजन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में, हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। कि काल भी तो